जैन संत मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज का गुरुवार को महोबा रोड से छतरपुर में मंगल प्रवेश हुआ तो उनकी आगवानी के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। उनके भक्तों ने सड़कों पर तोरण द्वार और घरों के बाहर रंगोली से विशेष सजावट की। मुनिश्री के मंगल प्रवेश के वक्त वातावरण जय घोष से गुंजायमान रहा। जगह जगह महिला व पुरुषों के समूह हाथों में कलश लेकर उनके स्वागत में खड़े थे, जो ढोल नगाड़ों और बैंडबाजों की धुन पर उत्साह से झूम रहे थे। महाराष्ट्र महोबा रोड से बस स्टैंड, हटवारा, चौक बाजार, कोतवाली, महल रोड होते हुए तहसील प्रांगण पहुंचे, जहां उन्होंने संक्षिप्त प्रवचन दिए। प्रवचन के पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया और पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह ने मुनिश्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। वहीं पाद प्रक्षालन शिखर चंद्र, रमेश कुमार जैन आदि ने किया। प्रवचन के बाद मुनिश्री कोतवाली के समीप स्थित नेमिनाथ जिनालय पहुंचे, जहां दर्शन उपरांत आहार चर्या के लिए बाहर निकले। यहां जैन समाज के लोगों द्वारा दर्जनों चौके लगाए गए थे। आहार दान का अवसर भी अहिंसा परिवार को मिला। इस अवसर पर जैन समाज के जिलाध्यक्ष अरुण जैन, उपाध्यक्ष रितेश जैन, स्वदेश जैन सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। उल्लेखनीय है कि आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधिस्थ होने के बाद मुनि समय सागर महाराज को आचार्य पद सौंप दिया गया है। आचार्य पद पर पदरोहण महोत्सव कुंडलपुर में प्रस्तावित है, जिसके लिए संपूर्ण देश से उनके शिष्य कुंडलपुर पहुंच रहे हैं। मुनि सुधा सागर महाराज भी उत्तर प्रदेश के आगरा से करीब 700 किलोमीटर की पदयात्रा कर कुंडलपुर जा रहे हैं। कहते हैं कि मुनियों के आने से उस शहर की धरा धन हो जाती है, जहां मुनियों के कदम पड़ते हैं। और ये मुनि एक ऐसे मुनि हैं, तो आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाव शिष्य हैं, मुनि प्रभाकर हैं, तीर्थ उद्धारक हैं, बहुत बड़े बड़े काम कराते हैं समाज उद्धार के लिए, शिक्षा के लिए, उन्नति के लिए, बहुत बड़े बड़े कार्य मुनि श्री द्वारा होते हैं। और आज जिस उत्साह से छतरपुर नगर और आसपास के शहरों से लोग आए हैं, इनका आगवानी की गई है, इससे शहर का माहौल पता चलता है कि कितना उत्साह। सुधा सागर जी महाराज के चरण पड़ने से छुल्लक गंभीर सागर महाराज जी सत्संग छतरपुर में विराजमान हुए। जैन समाज में उत्साह का माहौल है। दो साधु और 52 चौकी लगना, ये अपने आप में ये दिखाता है कि जैन समाज में कितना उत्साह है चौकों को लेकर। और साधु हमारे जो सुधा सागर महाराज जी हैं, वो आचार्य संत शिरोमणि के परम सर्वाग शीर्ष शिष्यों में से एक हैं। अन्य जिले से टीकमगढ़, ललितपुर और जो हमारे क्षेत्रीय समाज के हैं, वो सब लोग शामिल हुए और बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी आगवानी की गई। और उनके द्वारा महल तराह पर जो अपना तहसील का पुरानी तहसील का मैदान है, उनके द्वारा प्रवचन दिए गए। और उसमें सब लोग, सभी राजनीतिक लोग, श्रीमती अर्चना गुड्डू सिंह, श्रीमती ज्योति चौरसिया जी, सभी ने श्रीफल चढ़ाया। और आगे काम बराबर चलेंगे, अभी हमारे मुनि महाराज जी अभी रुकेंगे तो इसमें बराबर कार्यक्रम चलेंगे।